हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम KV CRPF मुकामा। आज हम लोग ज्योग्राफी का 6th चैप्टर मेजर लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ यानी पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसमें हम माउंटेन पर्वत प्लेट्स पठार और बारे में जाने हैं, और अब हम लोग प्लेन्स यानी मैदान के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जो मैदान है जो फ्लैट लैंड के बड़े भाग होते हैं, यानी जो समतल भूमि है, समतल भूमि के रूप में जो बड़ा भाग है उसी को हम मैदान या फिर प्लेन्स कहते हैं। ठीक है, ये जनरली जो है जी मीन सी लेवल जो मध्य समुद्र लेवल होता है उससे 200 मीटर से अधिक ऊंचा प्लेस नहीं होता है, मतलब मैक्सिमम 200 मीटर के ऊंचाई से कम ही स्थान होता है जो मैदान होता है, और कुछ प्लेन जो होते हैं मैदान होते हैं जो काफ़ी समतल होते हैं, और कुछ होते हैं कि उबड़ खावड़ या फिर जिगजैग टाइप के होते हैं। और जो इसमें ज़्यादातर मैदान जो हैं जो किससे बने हैं, नदियों के द्वारा, जो रिवर है उसके द्वारा जो अपर्दित जो उधर से काट कर जो मिट्टी को लाया जाता है या पत्थर या बालू या सिल्ट के अपर्दित करके वहाँ से फिर इसको निक्षेपित करता है, यानी कि कहीं पर छोड़ देता है, जमा हो जाता है, तो इस प्रकार से मैदान का निर्माण होता है। इसमें से कुछ मैदान जो होते हैं जो बहुत ही उपजाऊ होते हैं, यानी अधिक उस पर फसल को उगाया जा सकता है उस मैदान पर, और क्या होते हैं कि यहाँ पर जो फ्लैट लैंड जो हुआ समतल भूमि मैदान, वहाँ पर परिवहन के साधन के रूप में हम सड़कों को बहुत ही आसानी से बना देते हैं, और जो मैदानी क्षेत्र होते हैं वो है क्या लोगों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, स्थान होता है, मैंने अनुकूल होता है आदमी को रहने के लिए, इसलिए ये मैदानी भाग में वर्ल्ड के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं, मतलब सबसे अधिक दुनिया के लोग मैदानी क्षेत्र में ही रहते हैं। ठीक है, इसमें से नदियों द्वारा जो बनाए गए बड़े मैदान के रूप में एशिया में कौन है, जो भारत के गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और चीन में यांगत्से रिवर का मैदान है वहाँ। ठीक है, इस मैदानी भाग में जनसंख्या अधिक रहने का कारण क्या है कि यहाँ पर लोगों को रहने के लिए मकान को बनाना और फिर लोगों को खाने के लिए, अपना भोजन के लिए, खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त और उपजायु भूमि समतल भूमि मिल जाता है, जिससे इस मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या रहते हैं, यहाँ पर खेती भी बहुत आसानी तरीके से कर लेता है, लोगों के खाने के भोजन के लिए हो जाता है, इसलिए ज़्यादा जनसंख्या रहता है। तो इस तरह के मैदान भारत में कहाँ है, गंगा का मैदान है, जहाँ की सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है, गंगा के मैदान में ही सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। फिर अगला हम लोग जानेंगे एक और पॉइंट है, इसमें लैंड फॉर्म एंड द पीपल यानी स्थल रूप और लोग, यानी डिफरेंट टाइप के लैंड फॉर्म में किस तरह के लोग रहते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जो मानव हुए, लोग हुए, जो स्थल की जो विविधता है, डिफरेंट टाइप के जो लैंड फॉर्म है के अनुसार ही अपना लोग जीवन यापन करते हैं, और जो लोग पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं मतलब माउंटेन एरिया में, पहाड़ी एरिया में, उनका जीवन मैदानी क्षेत्रों के में जो रहने वाले लोग हैं उससे उनके जीवन से बहुत ही कठिन होता है। मैदानी क्षेत्रों में लोगों को क्यों होता है कठिन, क्योंकि मैदानी क्षेत्र में जो लोग हैं वो आसानी से घर बना लेते हैं, सड़क बनाया जाता है,
लेकिन पर्वतीय क्षेत्रों में घर बनाना या फिर सड़क बनाना या फिर वहाँ पर पर्वत पर खेती करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ही मुश्किल है। इसलिए वहाँ पर आसान नहीं है खेती करना या फिर सड़क बनाना या फिर वहाँ पर मकान को बनाना, ठीक है। और विभिन्न प्रकार के जो स्थल रूपों पर रहने वाले लोगों का है जो रहन सहन और लिविंग ओवर स्टैंडर्ड भी होता है जो डिफरेंट डिफरेंट होता है, काफ़ी दोनों में अंतर पाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड कुछ और होता है, समतलीय क्षेत्रों में यानी मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का स्टैंडर्ड कुछ और होता है। इस तरह से हम लोग जाने पर्वतीय क्षेत्रों या फिर समतलीय क्षेत्रों यानी स्थल रूप में किस तरह से कठिनाई होता है और कैसे लोग रहते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक प्राकृतिक आपदा होता है नेचुरली रूप से जो होता है के रूप में, भूकंप हुआ या ज्वालामुखी हुआ या फिर तूफान का आना या फिर बाढ़ का आना, इन लोग इस प्रकार से इस चीज़ से बचने के लिए क्या किया जाएगा कि इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा, बताया जाएगा कि इसे किस प्रकार से बचा जाए, कम से कम क्षति हो। जब हम जागरूक कर देंगे तो इससे जो पैदा होने वाला जो खतरा है वो कुछ कम किया जा सकता है, ठीक है। और एक चीज़ है इसमें, लोग जल और स्थल का यूज कुछ है जो गलत तरीके से भी करते हैं, जिसमें क्या हुआ कि जो उपजाऊ भूमि है जहाँ पर लोगों को खेती करना चाहिए वहाँ पर लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना दिए हैं, मकान बनाकर रह रहे हैं। और तो और उससे जो गंदगी निकलता है कूड़ा, उसको जहाँ तहाँ इधर उधर फेंक देने से भूमि पर भी नुकसान होता है, और बहुत से हैं कि सीधे पानी में फेंक देते हैं जिससे क्या होता है कि वहाँ की पानी प्रदूषित हो जाती है। इसे एक फिगर भी दिया गया है, यहाँ पर कूड़ा नदी में इसे फेंकने से नदी का पानी प्रदूषित हो गया है, जिससे पीने से और रोग बढ़ जाएगा जानवर के लिए भी और मनुष्य के लिए भी, ठीक है। इसलिए जहाँ तहाँ पर पानी में कूड़ा को नहीं डालना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो हमें प्रकृति से जो मिला है, नेचुरल से मिला है, ये सभी क्या है, वरदान के रूप में हम लोग को मिला है। इसे हमें अच्छी तरह से यूज करना चाहिए और इसे हमारे आने वाले पीढ़ी जो अगला जनरेशन हुआ, नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसी सब के लिए एक भारत सरकार ने एक स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, इसमें साफ जल वायु और स्वच्छ वातावरण के रूप में मेन प्राथमिकता दिया गया है इसमें, ताकि लोगों की स्वच्छ स्वस्थ रहे और खुशहाल जीवन यापन व्यतीत करते रहे और भारत एक स्वच्छ भारत के रूप में डेवलप करें। और जो हमारा जो पर्यावरण प्रकृति से जो हमें पर्यावरण के रूप में मिला है उस वो हमें आने वाले अगले पीढ़ियों के लिए भी हम पृथ्वी को सुरक्षित रख सकें, ठीक है। ओके।